जो लोग कहते हैं ना कि दुनिया में सब कुछ पैसा होता है, यह स्टोरी सिर्फ उन लोगों के लिए है। एक गरीब आदमी था, वह अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते के साइड में मेला लगा हुआ था। तभी बेटे की नजर मेले पर पड़ी तो वह जिद करने लगा कि पापा मुझे मेला देखना है। लेकिन उस गरीब के पास पैसे नहीं थे। वह बोला, बेटा फिर कभी देखेंगे, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बेटा जिद करने लगा, पापा मुझे मेला अभी देखना है। फिर मजबूर होकर बाप ने कहा, ठीक है चलते हैं। वह मेले में चले गए। जैसे ही मेले में गए, बेटा जिद करने लगा, बोला पापा मुझे यह खिलौना लेना है, पापा मुझे जूस पीना है और मौत का कुआं देखना है, मुझे वह मिठाई खानी है। लेकिन हर बार बाप बेचारा मायूस हो जाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो ऐसे ही चलते चले जा रहे थे कि मेले में अचानक बच्चे की नजर एक बड़े से झूले पर पड़ी। वह झूला देखकर इतना खो गया कि बच्चे की उंगली बाप के हाथ से छूट गई। जैसे ही उंगली छूटी कि बच्चे को पापा नहीं दिखा तो बच्चा रोने लगा। जोर जोर से बोलने लगा, पापा किधर हो, पापा किधर चले गए। जब लोगों ने बच्चे को देखा तो बच्चे से पूछा तो बच्चा बोला, पापा नहीं मिल रहे हैं। बच्चा बहुत रो रहा था। तब लोगों ने उसे चुप करवाने के लिए बोला, अरे बेटा झूला झूल लो, अरे बेटा चॉकलेट ले लो, अरे बेटा ये मिठाई खा लो, अरे बेटा चलो मौत का कुआं देख लो, अरे ये खिलौना ले लो। उस बच्चे को लोग सब कुछ दे रहे थे, लेकिन वह बच्चा जो बाप से थोड़ी देर पहले जिद कर रहा था, वही चीज फ्री में मिल रही थी। बट उसको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? उसको सिर्फ पापा चाहिए। इसलिए सारी दुनिया की दौलत भी बाप को रिप्लेस नहीं कर सकती। बाप का साया बहुत बड़ा होता है दोस्तों, क्योंकि बाप अगर आपके साथ है तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती। पापा से प्यार करने वाले कमेंट में लव यू पापा जरूर लिखें।